पब्लिक न्यूज चैनल से। दोस्तों मैं बार बार एक चीज अपनी न्यूज के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारे बच्चों के हाथ में, इसके पहले भी हमने एक न्यूज बनाया था, बच्चों के हाथ में जो हमारे मोबाइल या बड़ों के हाथ में जो हमारे मोबाइल रहते हैं उसमें गेम खेलते हैं या गेम मतलब कुछ भी ऐसा, बहुत सारे गेम्स ऐसे आते हैं जो हमारी जिंदगियों से जुड़े होते हैं। और ऐसा ही एक गेम जो है कल्याण के अंदर, एक गेम का एक नतीजा जो आपके सामने आया है, ये गेम आप खुद देखिए। और इस गेम के जरिए से कल्याण से सटे हुए एक अंबरनाथ इलाके में एक घर के अंदर एक भाई ने अपने जीजा और अपनी बहन के ऊपर चाकुओं से मार के हमला कर दिया उस गेम के वजह से। तो आइए ये गेम का नतीजा आप खुद देखिए और खुद को फैसला करना है कि हमें आगे करना क्या है। गाइज हम आपको बता दें, पबजी गेम अब लोगों को दीवाना बनाने के साथ साथ हैवान भी बनाता जा रहा है। इस गेम का क्रेज युवाओं को हिंसक बना रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे के पास कल्याण इलाके में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक युवक ने पबजी की दीवानगी के चक्कर में अपने बहन और होने वाले जीजू पर चाकू से हमला किया और वह भाग गया। घटना 13 फरवरी की है। अंबरनाथ में रहने वाले ओम बाब धनकर अपनी होने वाली पत्नी से मिलने कल्याण में आए थे। उस वक्त उनका होने वाला साला रजनीश राजभर पबजी गेम खेल रहा था। रजनीश के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी तो वह मोबाइल चार्ज करने पहुंचा तो उसे पता चला कि चार्जर की वायर को घर के कुत्ते ने काटकर खराब कर दिया है। यह कुत्ता बहन का था तो दोनों में झगड़ा हो गया। ओम उस वक्त वहीं पर बैठा था। रजनीश ने गुस्से में आकर किचन से चाकू लाया और पहले अपने बहन के लैपटॉप की वायर काटी, जिसके बाद भाई बहन का झगड़ा पड़ा। रजनीश अपना आपा खो चुका था। उसने अपनी बहन पर चाकू से हमला किया। अपनी होने वाली पत्नी को इस हाल में देखकर ओम बचाने पहुंचा तो रजनीश ने उसके पेट और जांघों पर धार चाकू से हमला किया और भाग गया। बुरी तरह घायल ओम को पहले उल्लासनगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसे कलवा इलाके के छत्रपति शिवाजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के 6 दिन बाद मामला कल्याण के कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 319 यानी जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज किया है, लेकिन अब तक रजनीश राजभर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। घटना के बाद जो वह घर से भाग गया अब तक लापता है। डीसीपी कामले ने बताया कि रजनीश गायब हो गया है, जिसे हमारी टीम ढूंढ रही है। पूछताछ जारी है और घायल ओम बाब धनकर का कहना है कि पुलिस जानबूझकर मामले को लंबा खींच रही है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।